जी अब हमारे समक्ष जुड़ने वाले हैं आदरणीय प्रभाकर दीक्षित प्रखर जी। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर दीक्षित प्रखर जी बहुत बहुत आपका। धन्यवाद मनीषा नीलू जी आपका, और जी साथ बहुत से बहुत ही धन्यवाद। पूरे मंच प्रखर का जी का और हमारे फर्रुखाबाद से सुधीर बहुत बहुत श्रोताओं का, स्वागत आदरणीय मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत प्रणाम, और हृदय से आपको निवेदन। और आज सुनने का, आपके बीच जुड़ने का मौका मिला, अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम। ठीक है जी। आप बहुत 30 वर्षों स्वागत से करते हैं सैन्य आपका। सेवा में सूबे मेजर पद पर रहे। आप फारुखाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और आपकी बहुत सी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रहती है। बहुत से काव्य संग्रह भी आपके हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका कि आपने इतना अच्छा लेखन किया है जो हमारी अगली पीढ़ी तक और इस पीढ़ी को भी मिलेगा। और आप जैन टीवी पर और आकाशवाणी पर भी बहुत कार्यरत रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदी हमारी भाषा प्यारी, सारी जग से है न्यारी। हिंदी में मैं पूजन करती, शुद्ध भावों को इसी में गढ़ती। जी बहुत बहुत स्वागत है क्या आपका इस काव्य पाठ पर, जी, इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य पाठ पर। आप अपनी संविधा प्रदान करें। जी पंडित जी स्वागत है। स्वागत है। सर्वप्रथम सभी का, इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वानों का, सुधीजनों का बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है कि आपने, आपके साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, और मैं अपनी संवेदनाएं आप अपनी तक, जरूर अपनी अपनी अभिव्यक्तियों को आप तक पहुंचा सकूंगा। और मैंने सत्य, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, आपने पृष्ठभूमि के बारे में, मैंने 30 साल जी सेना में सेवा की, और इसी जी के दौरान मुझे साहित्य के प्रति रुचि हुई। हालांकि स्कूली शिक्षा से ही मैं साहित्य से जुड़ा, और उस जी समय रुचि थी, लेकिन लेखन का कार्य तब शुरू हुआ जब मेरा एकाकी जीवन रहा। मैंने नदियों से बात की, पहाड़ों से बात की, क्या वनों से बात बात है, की, पत्थरों से बात की, क्या और बात। मेरा एक गीत संग्रह है, सीमा से आंगन तक, उसके अंदर सर एक बार बीच में टोक रही हूँ आपको। जब आपने जी एकाकी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया तो आपने नदियों से और प्रकृति से जो बातचीत की, वो कब का समय है, कब से आपने लेखन प्रारंभ किया? ये समय है हमारा 1996 से, 1996 से, जब मैं सीमांत क्षेत्र में सेवारत था। उस समय वहां पर कठिन जीवन था, और ना किसी से इतना मिलना जुलना होता, और जो नागरिक जीवन से तो बिल्कुल ही कटा था, सैन्य बहुत गतिविधियां अनुशासित थी। जीवन जी, उसी दौरान हुआ। तो मैंने, मेरे लेखन की खास बात यह है कि मैं सैनिक होते हुए मैंने ओज की बात नहीं की। ओज का मतलब कि मैं तंबू गाड़ दूंगा, लाहौर में झंडा गाड़ दूंगा, वो बात नहीं की। मैंने बात यह कि थी। हाँ बंदूक से पीछे की बात की, सैनिक जीवन की जी क्या व्यथा कथा है, उसके पत्नी के, उसके परिवार की क्या क्या दुर्हताएं हैं, उनको उजागर करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उसको बहुत लंबे अरसे तक भोगा था। अच्छा ठीक है। जो अनुभव ये किया मेरा उसी को आपने अपनी जी लेखनी द्वारा बद्ध किया। जी जी स्वागत है जी आपकी आपकी रचनाओं के लिए, जी हम आतुर हैं। जी चलिए मैं शुरुआत करता हूं। उससे पहले ईश्वर को याद करना बहुत जरूर, इसका स्मरण के बिना तो कुछ भी नहीं है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक क्या बात खिलता है। फूल खिले नहीं को फूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं को फूल। तो ईश्वर को मैं याद करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अपनी रचना। हे जी राम तुम्हारी जय होवे, हे हाँ राम तुम्हारी जय होवे पीतु पटाधारी, हरते हो पाप मही का तुम, हे असुर निकंदन गिरधारी, संशय के घेरे घनकारे, क्षण क्षण होती जीवन ख्वारी,
हूँ शरणागत प्रभु द्वार तरे, अगुबेग हरो हे अगहारी, अगुबेग हरो हे अगहारी, गिरजे सुमहेश्वर सूल पाणे, गिरजे सुमहेश्वर सूल पाणे, नंदीश्वर भोले त्रिपुरारी, मर घटवासी घट घटवासी, शशि गंगाधर हे लटधारी, हे दुख विनाशिनी माँ दुर्गे, कमला विमला पुस्तक धारी, कल्याण करो माचा मुंडे, हे बिंद भाषिनी भुजचारी। और अंत में अपने गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। गुरुजन पितुजन परिजन पुरजन, गुरुजन पितुजन पुरजन परिजन, हो सहज जिंदगी मन भारी, हो साहस प्रखर आत्मबल भी, मिट जाए शंक दुरतचारी, मानस बल उच्च शिखर चूमे, मानस बल उच्च शिखर चूमे, श्वासों पर चले काल आरी, यम पासु फेंकता योचक ही, रह जाए धरी सब होशियारी, रह जाए धरी सब होशियारी। सुंदर ईश्वर की प्रार्थना। इस प्रार्थना के पश्चात मुझे एक श्लोक कहने का, उच्चारित करने का मन हो रहा है, मैं कहती हूँ। जी जी जी, अवश्य 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 जी जी। सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणे नमोस्तुते। जय माँ जी, प्रारंभ। और बहुत स्वागत है आपका। गोपियां कृष्ण के वियोग में दुखी है, तो एक भौंरा फूल पर आके बैठता है, तो गोपियां क्या कह रही हैं, जरा ध्यान दीजिए। जी स्वागत स्वागत। हे अली मधुकर तुम श्याम वरण, हे अली मधुकर तुम श्याम वरण, तुम श्याम सरीखे लगते हो, हे अली मधुकर तुम श्याम वरण, तुम श्याम सरीखे लगते हो, यह कौन तुम्हारी प्रियतमा, आज जिसका नवरस चखते हो, मन कौन कली का चाह लिए, मन कौन कली की चाह लिए, तुम चुप कैसे हो कानन में, अल्लादित सजित कामवाण, आखे टक जैसे लगते हो। क्या बात। और आगे की पीड़ा देखिए, वो विराग्न को आप ध्यान में रखें और उसका उसको अनुभूत कीजिए। नैना प्यासे ब्रजवाला दुखी, नैना प्यासे ब्रजवाला दुखी, न आए श्याम ब्रज सुन सखी, बिरहागन काम उतान चढ़ो, भई पीर अन कही दून सखी,
बिरहागन काम उतान चढ़ो भई पीर अन कही दून सखी घन श्याम कियो घन चक्कर मन घन श्याम कियो घन चक्कर मन यहू के अजीब कमाल करे तन तन मन कारे दो सांवर जी तन ये श्याम के लिए कह रही है तन मन कारे दो सांवर जी किम सर से प्रेम प्रसून सखी किम सर से प्रेम प्रसून सखी हाँ। और भ्रमर को ये श्याम के साथ आपने प्रकट किया जी जी और मैं चूंकि मैं कनौजी हूँ कनौजी आपने बहुत कम सुना ब्रज के बारे में सुना होगा बुंदेली के बारे में सुना होगा अवधी के बारे में सुना होगा भोजपुरी के बारे में सुना होगा और जी सूरसैनी जिसको कहते हैं इसमें कम लिखा गया लिखा गया ललन पिया है पंडित बंशीधर शुक्ल है आचार्य कंचन है बिलेले जी है ऐसे कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने कनौजी पर लिखा है। हालांकि महेशी महादेव वर्मा जी इसी मिट्टी की थी उसी की मैं उन्हीं की रच से उत्पन्न मैं भी हूं और मैं आपको कनौजी को बताता हूं और इस पर बुंदेली की और ब्रज की झलक है क्योंकि एक तरफ ब्रज क्षेत्र लगता है एक तरफ बुंदेली क्षेत्र लगता है और हरदोई की तरफ अवधि लगता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा सबका असर है लेकिन इसकी अपनी मूल आत्मा है। तो मैं आपको एक गीत कनौजी गीत बताता हूं सबरी का है आपके सामने रखता हूं। सबरी राम का इंतजार कर रही है भगवान राम का इंतजार कर रही है और वो उसी के परिप्रेक्ष्य में गीत आपके बीच कब से कुटिया रही बुहार कब से कुटिया रही बुहार सबरी ही से रही पुकार कब लो आइए मोरे राम सबरी के ही प्यारे राम कब लो आइए मोरे राम कब से कुटिया रही बुहार सबरी ही असे रही पुकार कब लो आइए मोरे राम कब लो आइए मोरे राम दिन दिन बाट निहारे प्रभु वर बरसे बीती घर नहीं आए दिन दिन बाट निहारे प्रभु वर बरस बीती घर नहीं आए अंतर चिता लगन मिलन की सघन अश्रुघन नैनन छाए महतारी को सुत अधिकार सुध प्रभु आवत बारंबार तुम बिन ये का विश्राम कब लो आइए मोरे राम कब लो आइए मोरे राम। और अगला वन बन बन कलिका चुनी कुसुम की नित प्रभु राह बिछाई बन बन कलिका चुनी कुसुम की नित प्रभु राह बिछाई और फरकत बाम आंख प्रभु मोरी सोहन छवि मन भाई बन बन कलिका चुनी कुसुम की नित प्रभु राह बिछाई फरकत बाम आंख प्रभु मोरी सोहन छवि मन भाई सोचो करियो किम सत्कार सोचो करो किम सत्कार तुमरी मोहन छवि अविराम कब लो आइए मोरे राम कब लो आइए मोरे राम। और अंतिम बंद
बीती प्रतीक्षा प्रभु पधारे, बीती प्रतीक्षा प्रभु पधारे, सिया लखन के संग उदासी, अमिलन उछा ही आहुल सानो, आसन पाए घर बनवासी। बीती प्रतीक्षा प्रभु पधारे, सिया लखन के संग उदासी, मिलन उछाली सियाहुल सानो, आसन पाए घर बनवासी। चहकत ही आय उछा पार, पावत पेर है पूर्ण प्रकाम। चहकत धिया उछा पार, पावत बेर है पूर्ण प्रकाम। कबलों है मोरे राम, कब से कुटिया रही बुहार, सबरी के ही रही पुकार। कबलों है मोरे राम। क्या बात जय है, श्री बहुत राम, सुंदर। जय जय श्री राम, श्री जय श्री राम। कन्नौजी राम। और राम आ गए लीला आप, भी में है, बहुत और सुंदर ये कन्नौजी लीला भी में शबरी है। की विनय पूरी किशन पीड़ा को आपने जी देव प्रकट बहन कर निशा दिया। जी, ये निर्णय आया था उससे पांडुरंग पहले लिखी थी मैंने, अपनी आत्मा की जो पीड़ा थी उसको हमने सबरी के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की, और अंत में जब ये पूर्ण हुआ गीत तब तक जी प्रभु आसन मंदिर, विराजमान हो हाँ जी गए। और वही अंतिम मंदिर बंद उन्हीं निर्माण, वही बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। उन्हीं को मैंने समर्पित कर दिया लास्ट में अंतिम बंद, और ये बहुत आपकी पीड़ा और शबरी की पीड़ा दोनों के माध्यम से आपने इसको प्रकट किया, बहुत सुंदर। जी। और आपको पसंद आया उसके लिए हृदय से आभार मेरा, जी आपने हमें बहुत पसंद आया और हमारे साथ जुड़े तमाम श्रोताओं को भी जी बहुत पसंद आया। विनय, आदरणीय विनय तंवर जी आपको वाहवाही कर रही है, मीना शर्मा जी जुड़ी हुई है, मैजिक मैन एन जी चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत उन सबका धन्यवाद एवं आभार। और रजनीश मेरी गोयल तरफ जी से भी भी बहुत जुड़ी हुई बहुत है जी, आप आपकी ओर से, सबकी ओर से जी, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप सभी का। मेरी तरफ से भी सभी को आभार धन्यवाद। बहुत सुंदर आप सुन रहे हैं भक्तिमय एकाग्रचित होकर वातावरण सुन रहे जी। जी, और बहुत अभी एक गीत ज्यादा और मैं धन्यवाद, आपके बीच, श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं भी सुधी श्रोताओं का जो मेरे साथ जुड़े हैं और जिन्हें हिंदी के प्रति अगाध श्रद्धा है, उन सभी श्रोताओं को, मनीषियों को, अनुरागियों को मेरा हृदय से प्रणाम। एक गीत और मैं जी आपके बीच रख रहा हूं, आशा है जी कि आप स्वागत है आपको अच्छा लगेगा। जी, अवश्य। रही कहाँ जीवंत जिंदगी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए आप, रही कहाँ जीवंत जिंदगी, जीवन ठहरा ठहरा है। क्या रही बात कहाँ, ये कोरोना काल की बात है, रही कहाँ जी, जीवंत जिंदगी, जीवन ठहरा ठहरा है, सन्नाटों में बसर लाजमी, सांसों पर भय का पहरा है। जिस जीवन को हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले जीरा और जी रहे हैं, अब थोड़ी सी राहत हो गई है। जी रही कहाँ जीवंत जिंदगी, जीवन ठहरा ठहरा है, सन्नाटों में बसर लाजमी, सांसों पर भय का पहरा है। और वक्र कालगत अंधकूप मग, कंट कटीले पथ में बाधा, किससे कहें वेदना उर की, जीवन लगता आधा आधा। त्राहि त्राहि जी के आर्त नाद रव, त्राहि त्राहि के आर्त नाद रव, सत्य कदाचित रव बह रहा है। त्राहि त्राहि के आर्त नाद रव, सत्य कदाचित रव बह रहा है। रही कहाँ जीवंत जिंदगी, जीवन ठहरा ठहरा है। मृग मरीच का वत संजीवनी, आयुष का संबल अमृत सा। मृग मरीच का वत संजीवन, आयुष का संबल अमृत सा, क्रूर काल के नख जहरीले, सतत दिखे हो हा उद्धत सा। और होंगी खल निर्मूल निराशा, होंगी खल निर्मूल निराशा,
प्रयाग शुभ्र सवेरा है, रही कहां जीवंत जिंदगी, जीवन ठहरा ठहरा है। और अंतिम बंद देखिए, अमित काल का शिला लेख प्रिय, अमित काल का शिला लेख प्रिय, भंगुर जग की भंगुर जग का सरमाया, अमित काल का शिला लेख प्रिय, भंगुर जग का सरमाया, अबूज फैली मृत्यु नटी है, अजिर आत्मा मिथ्या काया, अजिर आत्मा मिथ्या आया। और भजरे प्रखर राम निरंजन, भजरे प्रखर राम निरंजन, अगम दुख दह गहरा है, रही कहां जीवंत जिंदगी, जीवन ठहरा ठहरा है। बहुत सुंदर कोरोना काल की पूरी अभिव्यक्ति आपने कर दी। इसी बीच आदरणीय सल्तनत नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत। और त्रिलोकी मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। बीना जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है। आराधना जी, विनय जी, बीना जी बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का। जी आप अपनी अब अगली रचना प्रस्तुत करें जी। और अभी मैं आपके सामने चार पांच दोहे रखता हूं, प्रखर दोहे। जी अवश्य, जी अवश्य। आज की परिस्थिति, आज का जो समाज का हमारा परिवेश है, उसके ऊपर निगाह डालने की कोशिश की है। नैनों का पानी मरा समंदों पर रेत, नैनों का पानी मरा संबंधों पर रेत, नित बंजर होते देखिए रीत प्रीत के खेत, नित बंजर होते देखिए रीत प्रीत के खेत। और अगम भर अहम भरे गुम्मद मिले, लक्षण व्यक्ति है देखिए, अहम भरे गुम्मद मिले, ऊंची रखे दुकान, अहम भरे गुम्मद मिले, ऊंची रखे दुकान, अंतर सुचिता सादगी भला मान का पान। क्या बात है, जो जय जी भला मान का पान, जो जैसा वैसा मिले, जो जैसा वैसा मिले, चित्त वृत्ति का खेल, रैन बसेरा जग प्रखर, सफल औषधि मेल। क्या लाए क्या जाए संग, कड़वी प्रथा जुबान, प्रिय कंगूरों से पूछिए अंतिम था मसान। क्या लाए क्या जाए संग, कड़वी प्रथा जुबान, प्रिय कंगूरों से पूछिए अंतिम था मसान। और अंतिम दोहा देखें, प्रखर मनुज कहाँ रह गया, प्रखर मनुज कहाँ रह गया, मानवता ढंग चार, रौरव नरक गिराएगा, पशुवतावत व्योहार, रौरव नरक गिराएगा, पशुतावत व्योहार। गौरव नरक से आपने गरुड़ पुराण याद दिला दिया। कल्पना में कुछ नहीं लिखता हूँ अदनिया, जो कुछ लिखा लिख पाता हूँ वो यथार्थ होता है, और जो भोगा हुआ है और जो देखा हुआ है उसी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सल्तनत नाथ जी बहुत वाह वाह कर रही है आपके लिए, बहुत कार्यक्रम मुझे पसंद आ रहा है।
बहुत बहुत उनका हाँ, और धन्यवाद। मैं आदरणीय नवल जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनकी उनके प्रोत्साहन को मैं स्वीकार कर रहा जी हूँ। आदरणीय हरीश नवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हाँ धन्यवाद, जी आभार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत आप इस शुक्रिया। पटल आप से जुड़े लगातार जी एक हमारे जीवन में आदरणीय मैं अब मैं एक जो अपने हृदय से जुड़ी हुई एक रचना है जी उसको आपके बिल्कुल बीच स्वागत। रखूंगा, और उसको मैं चाहूंगा कि आप उस पर विशेष ध्यान दें हमारी, क्योंकि वो रचना जो है हम सभी से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में एक ऐसा किरदार है, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व होता है जो आजन्म पहली आजन्म हमारे साथ हमारा ख्याल रखता है, हमारे अपने हमारे लिए सब कुछ अपना निछावर कर देता है, और उसके बाद भी बड़ी सादगी के साथ अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित कर देता है, और वो जी किरदार वो व्यक्तित्व है हमारे पूज्य पिताजी। माँ जी माँ का किरदार तो स्वागत सभी उल्लेख करते हैं, लेकिन पिताजी का किरदार अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो छाया है हमारे, वो आकाशवत है। और जो पिता का किरदार है वो सख्त अनुशासित ऐसे ऐसे आदमी का है कि वो अच्छा तो नहीं खुरदुरा होता है लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता है। बोलते हैं जी पिता है तो बाजार अपना है, कहते हैं पिता है तो बाजार अपना है वरना जी सारा ही सपना है। क्या जी बात है, बहुत वो सुंदर। अनुशासित थे, इसीलिए आप सैन्य में गए, इसीलिए 30 वर्षों तक आप सेना में रहे, क्योंकि वो जी हमारे अनुशासित थे बहुत। जी वो पिताजी भी हमारे सैनिक रहे और उन्होंने दो लड़ाइयां लड़ी। क्या शीर्षक बात, है बाबूजी, प्रणाम जी। शीर्षक है बाबूजी, और मैं ये सभी अपने पितृवत सभी संज्ञाओं को समर्पित करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। अवश्य आपने कहा है, विशेष ध्यान देने के लिए बहुत अच्छी होगी अवश्य। अब अच्छी नहीं है तो आप ही निर्णय करेंगे, ये तो मैं नहीं कर सकता नहीं वादनी। नहीं 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 पूर्वजों को समर्पित कर रहे हो, गुरुजनों को और पितृपक्ष को, तो बहुत ही अच्छी होगी निश्चित रूप से। जी स्वागत है आपका। जी तीखे तेवर कड़क मिजाजी अंदर ओला, तीखे तेवर कड़क मिजाजी अंदर ओला बाबूजी, मेरी जीवन ढाल अयस की मन के भोला बाबूजी, तीखे तेवर कड़क मिजाजी अंदर ओला बाबूजी, मेरी जीवन ढाल अयस की मन के भोला बाबूजी। अब अपन देखिए, धमा चौकड़ी थम कचक आंगन, धमा चौकड़ी धम चक आंगन, जैसे घर तूफान उठा, अम्मा जी पुचकार कहती लेकिन उनका प्राण मठा मतलब परेशान होना, माता जी कभी नहीं दुख नाराज होते हैं। धमा चौकड़ी धम कचक आंगन, जैसे आंगन तूफान उठा, अम्मा जी पुचकार कहती लेकिन उनका प्राण मठा, तभी एकाएक दाखिल दहके, तभी एकाएक दाखिल दहके, जो बम गोला बाबू जी तीखे तेवर कड़क मिजाजी अंदर ओला बाबू जी। अगला बंद, अनगढ़ को मूरत में ढाला, को मूरत में ढाला, सिख सिखाई नियम संस्कृति, अनगढ़ को मूरत में ढाला,
सीख सिखाई नियम संस्कृति खटे रात दिन पाला हमको थी संतत समझो तो बस जूझा जीवन समझो तो बस जूझा जीवन थे माशा तोला बाबू जी तीखे तेवर कड़क मिजाजी अंदर ओला बाबू जी मेरी जीवन ढाल आयस की मन के भोला बाबू जी। और अंतिम बंद आप तक पहुंचाता हूँ। सिखा गए पथ दिखा गए वो सिखा गए पथ दिखा गए वो अब यादें बसी निशानी है मम पद रज बंदन गुरु ईश सम पद रज बंदन क्या दया सुजाग्रत सूरत हिंडोला बाबू जी तीखे तेवर कड़क मिजाजी अंदर ओला बाबू जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर और सार्थक पंक्ति है। आशा है कि आपको ताजा हो गई पिताजी की। जी 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 अब जिनके हैं उनको तो इतना महसूस नहीं होता और जिनके नहीं है उनके हृदय से पूछिए जो एकांत में होते हैं और अपनी अपनी सफलता पर अपनी ऊंचाइयों पर अपनी उपलब्धियों पर वो जब नाज करते हैं तो एक कोने में टीस जरूर उठती है कि आज देखने वाला सराहने वाला नहीं है जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बिल्कुल अनाथ बिल्कुल अनाथ है माता पिता के बिना बिल्कुल अनाथ है आज अपनी उपलब्धियों को उनके साथ साझा नहीं कर सकते उनकी तस्वीरों के सामने जाते हैं अत्यंत मार्मिक बहुत सुंदर रचना बहुत अच्छी रचना। चलिए आप पानी पीना चाहते हो पी सकते हो विश्राम करना है आपको। जिस रचना में रचना भीग जाए जो रचना वास्तव में वो हृदय से जुड़ जाती है। आज मेरी रचना ये सार्थक हो गई आपके हृदय को झंकृत कर दिया आपके हृदय को हिला दिया सभी लोगों के हृदय को हिलाया होगा मुझे आशा है। जी आज मेरी रचना के रूप में भी रुलाया शबरी के रूप में भी रुलाया दियो भी होगा पहला कभी आह से पूजा होगा पढ़कर आंखों में वही होगी कविता कविता अंजान। जी बिल्कुल बहुत सुंदर बहुत सार्थक क्योंकि मैं सैनिक रहा हूं और समय भी नजदीक पहुंच रहा है अभी है समय 10 मिनट है बिल्कुल अभी 10 मिनट बचे हैं आप एक रचना आपके करते हैं मैं आपको जी बिल्कुल आपको पहले 2-3 मुक्तक सुना देता हूँ उसके बाद एक अंतिम जो है वो गीत सुना दूंगा आपको ये गीत आपके प्रस्तुत करूंगा अंतिम और जी 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 जैसे आपको उचित मुक्तक प्रस्तुत है समय है जी। आदर नवल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तक मेरी बात पहुंची आपके हृदय को झंकृत किया आपके हृदय को छू गई इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी आदरणीय हरीश नवल जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है इस पटल च अंजलि सभी श्रोताओं को का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हरीश नवल जी का पुनः स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ
कि हमारे बीच जुड़े हुए हैं जी। स्वागत है जी। हाँ जी, रहे सौहार्द जिस घर में वहां बरकत बरसती है। क्या बात, रहे सौहार्द जिस घर में वहां बरकत बरसती है, परस्पर प्रेम की ख्वाहिश लम्हों को तरसती है। रहे सौहार्द जिस घर में वहां बरकत बरसती है, परस्पर प्रेम की ख्वाहिश लम्हे को सरसती है। और गया वो दौर सैदाई गए सतमार्ग अनुगामी, गया वो दौर सैदाई गए वो गए सतमार्ग अनुगामी, स्वार्थ के वृक्ष पर अब तो झूठ की शान फलती है। हाँ। स्वार्थ के वृक्ष पर अब तो झूठ की शान फलती है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर भाव है, और एक दो मुक्त का प्रस्तुत कर सकते हो। हाँ जी। और जी जी अभी निकाल सभी श्रोताओं का पुनः शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सभी श्रोता बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सभी का, बहुत अभिनंदन करती हूँ। जी अभी मैं आपके सामने गीत रखता हूँ जी। स्वागत है। देना अर्घ नयन जल से। मैं सैनिक हूँ इसलिए एक सैनिक है और वो जब अपनी बात लिख रहा है चिट्ठी में अपनी धर्म पत्नी को, अपने परिजनों को जी। छूट गया वो साथ पुराना, टूटा टूटा दिल बिखरा है। वो उन दिनों को याद करता है जब उसकी जब उसका विवाह हुआ था, पाण ग्रहण संस्कार हुआ था और उसके बाद में नवधू को छोड़कर अपने कर्तव्य पर चला गया। उन सब उन चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। छूट गया वो साथ पुराना, टूटा टूटा दिल बिखरा है। गला रूंधा सुने नैना, ये अपनों का जाना अखरा है। गला रूंधा सुने नैना, ये अपनों का जाना अखरा है। जिनका संग लगा मधुमासी, जीवन सुरभित उपवन था। जिनका संग लगा मधुमासी, जीवन सुरभित उपवन था। पावस नद सा उत्प्लावन, और प्रेम हृदय में सुच पावन था। बिखर गए वो भरण यकायक, बिखर गए वो भरण यकायक। मौन क्रांत रबु बखरा है। पंजाबी शब्द इस्तेमाल किया है, आप तक पहुंच गया होगा। बखरा बखरा बिखर गए डिफरेंट नया प्रयोग। मुझे असल में तुकांत नहीं मिल रहा था, समांत नहीं मिल रहा था, तो मैं बोला इससे बढ़िया शब्द कोई नहीं हो सकता है। बिखर गए लचीली है, सभी भाषाओं को ले लेती है, कोई बात नहीं, बोलियों सबको ले लेती है, हिंदी बहुत लचीली है। बिखर गए वो भरण यकायक, मौन क्रांत रव बखरा है। छूट गया वो साथ पुराना, टूटा टूटा दिल बिखरा है। अगला बंद देखे तुम तो थे तो जग अपना था, तुम तो थे तो जग अपना था। दुनिया के सब रंग अपने थे, तुम ते थो जग था अपना था।
दुनिया के सब रंग अपने थे, प्रणयन का आधार लंब थे, प्रणयन का आधार लंब थे, मृग छोने से द्रग सपने थे, दग्ध हृदय में क्रंदन भय का, दग्ध हृदय में क्रंदन भय का, क्लांत मनस दुख अपुरा है, क्लांत मनस दुख अपुरा है, छूट गया वो साथ पुराना, टूटा टूटा दिल बिखरा है। अपरा मतलब दूसरा, और अंतिम बन अब जो आत्मा है सैनिक की, वो अपनी पत्नी से सपने में क्या कह रहा है, ढूंढोगी तो पास तुम्हारे, ढूंढोगी तो पास तुम्हारे, बहता हूँ सौरभ बन कर, देना अर्घ नयन जल से तुम, प्रेम पराग भरे अंजुरी भर, प्रेम पराग भरे अंजुरी भर, प्रखर प्रेम का शाश्वत नाता, प्रखर प्रेम का शाश्वत नाता, साथ चिरंतन सत निखरा है, छूट गया वो साथ पुराना, टूटा टूटा दिल बिखरा है। बहुत सुंदर। एक सैनिक का अंतर्द्वंद, उसकी व्यथा, उसको आपने बहुत अच्छे से प्रकाशित किया अपनी रचना के माध्यम से जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद।